नए संसद भवन में स्पीकर की सीट के पास सिंगोल की स्थापना की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। ये सिंगोल चोल वंश से जुड़ा है। इतिहासकारों के मुताबिक चोल वंश में जब सत्ता हस्तांतरित होती थी, जो एक निवर्तमान राजा दूसरे राजा को सिंगोल सौंपता था, इसे सत्ता की पावर का केंद्र माना जाता है। खास बात यह है कि 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब भारत आजाद हुआ, तो भारत की स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरित के तौर पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यही सिंगोल सौंपा गया था। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में एक बार फिर इस प्रतिक्रिया को दोहराया जाएगा। जिसकी आपको सूचना देने के लिए आज मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक घटना पुनरावर्तित हो रही है, एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित भी हो रही है। अभी स्क्रीन पर आप एक सुंदर वस्तु को देख रहे हैं। राजसी लगती है वस्तु, इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। आज मैं आप सभी को इसको साझा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। यह एक हमारी बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रथा है, जिसकी गहरी जड़ें देश की परंपराओं में समाहित है। हम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे अध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। सेंगोल की स्थापना 1947 की भावनाओं को फिर से एक बार अविस्मरणीय बनाएगी। यह सेंगोल जो है असीम आशाएं, अनंत संभावनाएं और एक मजबूत, स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। यह अमृतकाल का प्रतिबिंब होगा जो भारत को अपने विश्व में यथोचित स्थान ग्रहण के लिए गौरवशाली क्षण का साक्षी बनेगा। आइए जानते हैं कि आखिर सेंगोल क्या है और कैसे ये आजादी का प्रतीक बन गया। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहते हैं। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में होता था। जब चोल साम्राज्य का कोई राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित करता था, तो सत्ता हस्तांतरित के तौर पर सिंगोल दिया जाता था। ये चोल साम्राज्य के समय से चली आ रही परंपरा है। खासतौर पर तमिलनाडु और दक्षिण के अन्य राज्यों में सिंगोल को न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासन का प्रतीक माना जाता है। कुछ इतिहासकार मौर्य और गुप्त वंश में भी सिंगोल को प्रयोग किए जाने की बात कहते हैं। अभी तक कहां था सिंगोल? गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक अभी तक सिंगोल इलाहाबाद संग्रहालय में था। अब संसद भवन में इसे रखने से उचित कोई कार्य नहीं जगह नहीं होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नए संसद भवन के निर्माण के दौरान एक टीम ने रिसर्च की। पीएम मोदी के निर्देश पर हुई इस रिसर्च के दौरान ही सिंगोल का पता चला, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। यह हमारे देश की परंपरा का अहम अंग है। शासन न्याय और नीति के अनुरूप चले, ये इसका भाव है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरह की रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।